हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ पेंट फॉर वॉल। दीवार में पेंट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। सपोज करिए आपका रूम है या आपका घर है, वहां पे आपको पेंट की क्वांटिटी निकालना है, कितना पेंट लगेगा वॉल पे, ये कैसे निकालते हैं, कैसे एस्टिमेट करते हैं कि कितना रुपए खर्चा आएगा पेंट में, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दो कंडीशन है इसमें आपकी, कंडीशन वन, कंडीशन टू। कंडीशन फर्स्ट है आपकी, कैलकुलेट द क्वांटिटी फॉर वेट वॉल यानी ओल्ड वॉल। आपको पुरानी दीवार पे जिस पे एक बार पेंट हो चुका है उस पे आपको पेंट करना है तो कितना एस्टीमेट आएगा। और कैलकुलेट द क्वांटिटी फॉर ड्राई वॉल जिस पे अभी एक भी बार पेंट नहीं हुआ है यानी न्यू वॉल, फर्स्ट टाइम पेंट हो रहा है उस पे कितना खर्चा आएगा। दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। देखने से पहले सब्सक्राइब करें दोस्तों फील्ड वर्क एक्सपर्ट, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, इससे क्या होगा नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपकी एक वॉल है, इस पे आपको कलर्ड करना है, जिसकी लेंथ है 80 फीट, हाइट है 10 फीट। लेंथ ऑफ बॉल आपकी 80 फीट, हाइट ऑफ बॉल 10 फीट। कितना एरिया कवर्ड कर रही है ये बॉल, देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। लेंथ इनटू विड्थ, तो 80 फीट इनटू 10 फीट कितना हो गया आपका 800 स्क्वायर फीट। इतना एरिया आपका कवर्ड कर रही है बॉल। देखिए दोस्तों, यहां पे आपका एरिया निकल के आ चुका है कि कितनी एरिया में आपको पेंट अप्लाई करना है। अब आप इसका डबल भी ले सकते हैं या सिंगल भी ले सकते हैं कि दोनों साइड बॉल की आपको पेंट करना है, लेकिन हम अभी सिंगल पेंट लेके चल रहे हैं, सिंगल साइड बाउंड्री बॉल के हमें पेंट करना है, केवल 800 स्क्वायर फीट में हमें पेंट करना है। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन की, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ बेड वॉल यानी ओल्ड वॉल जिसपे एक बार प्लास्टर हो चुका है, पेंट भी हो चुका है, उस पर हम सेकेंड कोट अप्लाई कर रहे हैं यानी कुछ सालों बाद पेंट अप्लाई कर रहे हैं, उसका एस्टिमेट कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको गैलन के बारे में बता दूं, जितने भी हमारे थंब रूल है वो गैलन के हिसाब से ही बने हैं दोस्तों। देखिए, वी हैव टू टाइप ऑफ गैलन, दो टाइप के गैलन होते हैं हमारे पास, एक यूके गैलन होता है, एक यूएस गैलन होता है। यूके गैलन में, एक यूके गैलन में 4.54 लीटर होते हैं और एक यूएस गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करें एक गैलन में क्या थंब रूल है। एक गैलन में हमारा पेंट 350 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड करता है, ठीक है, 350 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड करता है हमारा एक गैलन। अब पेंट क्वांटिटी निकालना है हमें यहां से वॉल की, तो कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, एरिया वॉल कितना है आपका पेंट कवर्ड बाय एरिया, तो पेंट कवर्ड बाय एरिया आपको मालूम है कितना करता है, एक गैलन में 350 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड करता है, ठीक है, पर गैलन। तो यहां से आप पेंट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ वॉल आपका कितना था, 800 स्क्वायर फीट। कितना कवर्ड करता है पेंट एक गैलन में, 350 स्क्वायर फीट पर गैलन। यहाँ स्क्वायर फीट से स्क्वायर फीट कैंसिल करोगे आप तो 2.285 गैलन आपका पेंट क्वांटिटी निकल कर आ गई बॉल के लिए। यहां से आप लीटर में अगर निकालना चाहते हैं, यदि आप गैलन में लेना चाहते हैं तो यहां से गैलन में भी ले सकते हैं, और लीटर में लेना चाहते हैं तो इसे कन्वर्ट करें लीटर में। देखिए 2.285 आया है आपका गैलन, इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3.785 यूएस गैलन का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूएस गैलन की। एक गैलन में यहाँ पर 3.785 लीटर होते हैं, तो 2.285 को कन्वर्ट करें गैलन में तो मल्टीप्लाई करें 3.785 का, तो यहां से नंबर आपके 8.64 लीटर निकल कर आएंगे आपके, ठीक है। इतनी आपकी जो बॉल थी 800 स्क्वायर फीट की, आपका 8.64 लीटर पेंट इसमें अप्लाई होगा दोस्तों। अब यहां से आप पेंट की प्राइस भी निकाल सकते हैं। प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए, प्राइस ऑफ पेंट इक्वल टू नंबर ऑफ लीटर रिक्वायर्ड इनटू प्राइस ऑफ वन लीटर। तो आपको मालूम है नंबर ऑफ लीटर कितने रिक्वायर्ड है, 8.64। प्राइस ऑफ वन लीटर कितनी है दोस्तों आपकी, जो भी आपकी चल रही हो 250, 450, 500 पर लीटर, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके प्राइस ऑफ पेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है पेंट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों कमेंट करके। आपका ये चैनल है लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें फील्ड वर्क एक्सपर्ट, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के जस्ट बाद मैं सेकेंड पार्ट आपको वीडियो देने वाला हूं, देखना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।